नमस्कार, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से हाई प्रोटीन युक्त रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने न्यूट्रीला और पालक के से बनाया है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए आज हम पालक और न्यूट्रीला की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे मैंने किस तरीके से बनाया है तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पालक न्यूट्रीला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पालक को ले लिया है। अब इसे हम साफ पानी से साफ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे उबाल के इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पालक का पेस्ट बना लिया है इस तरीके से हमने, और दो टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है, एक बड़े प्याज को हमने छोटा छोटा काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च काट ली है छोटी छोटी, और लहसुन को हमने कूट लिया है। समथिंग 5 से 7 कलियां लहसुन की हैं, और हमने छोटे न्यूट्रीला को भी गर्म पानी में भिगो लिया है। तो चलिए अब न्यूट्रीला पालक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं वो हम आप तक शेयर करते हैं। अब एक पैन को हम गर्म कर लेंगे, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल का नहीं इस्तेमाल करना है। ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम भीगा हुआ न्यूट्रीला डाल देंगे और इसे हम समथिंग 5 मिनट सौटे करेंगे, जिससे हमारा न्यूट्रीला जो है खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। फिर से हम 2 मिनट सौटे कर लेते हैं। न्यूट्रीला सौटे हो चुका है, समथिंग 2 मिनट हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे और 1 टीस्पून हम हींग पाउडर डाल देंगे। गैस को स्लो रखना है, ज़्यादा तेज गैस नहीं रखनी है, और लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्च को भी डाल देंगे, फिर प्याज को भी डाल देंगे। अभी इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है और आंच को मीडियम कर देना है। इसे हम प्याज और सभी चीज़ों को पकने के लिए छोड़ देते हैं। प्याज और लहसुन अच्छे से पक गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी हम अच्छे से पका देंगे। जब टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे तो और भी फ्लेवर बहुत टेस्टी आएगा। तो हम टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे। तो टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चुटकी हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च का नहीं इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से हम लाल मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो मसालों को हम अच्छे से फिर से पका लेंगे और सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे इसमें, जिससे मसाले हमारे और भी अच्छी तरीके से पक जाएं। तो चलिए मसालों को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो सभी मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम न्यूट्रीला डालेंगे जो हमने छोटे करके रखा हुआ था। आँच को हम मीडियम आँच कर देंगे, ज़्यादा तेज आँच नहीं रखेंगे। और आप भी इसी तरीके से बनाएं पालक न्यूट्रीला, हाई प्रोटीन खाना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, हेल्दी तो होता ही है। तो अब इसमें हम पिसा हुआ पालक डाल देंगे। फिर आँच को हम स्लो कर देंगे। और इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार रखेंगे। थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा पानी का भी नहीं इस्तेमाल हम करेंगे। तो 1 कप पानी ही इस्तेमाल करेंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट खुला ही पकाएंगे, क्योंकि न्यूट्रीला हमारे पक चुके थे। तो इसे हम 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट हो चुका है,
और पालक न्यूट्रिला की हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में रखेंगे। तो पालक और न्यूट्रिला की रेसिपी हमने सर्विंग बाउल में रख दी है। इसे आप रोटी और चावल के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।